मैं हूं किशोर रजवाड़ी और अब आज का मुद्दा। इधर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने न्यूज 18 से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में कई विवादों पर सफाई दी। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप लगे थे, यहां तक कि उनके भाई और चाचा के पाकिस्तानी फौज में होने की बात भी सामने आई थी। सीमा ने अपने परिवार के पाकिस्तानी फौज से कनेक्शन पर सफाई दी। आपके भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में, ये आपने बात छिपाई? सर जहाँ मुझे बोलना था मैंने वहाँ सच ही बोला, ठीक है सर। और रही बात, चाचा मेरे पैदा होने से पहले थे और जो भैया हैं जब हमारी बात होती तब वो मजदूरी पे जाते थे, इनको भी पता है। वो 12वीं पढ़े थे कराची में, किसी के लिए कराची में क्या, पूरे पाकिस्तान में ड्यूटी 6 लाख 12 लाख के अलावा सरकारी जॉब नहीं मिलती सर। एक ये फौज की ड्यूटी है जो कद और बॉडी के कारण सबको मिलती है। तो अभी 2022 के बिल्कुल एंड में रब्बू की डेथ होने से 2 महीने पहले ही वो हुए थे, तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं सर। मैं शादीशुदा थी, मैं अलग थी उन सब। इस इंटरव्यू में सीमा हैदर ने पहली बार ये बताया कि उनके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट क्यों मिले और पासपोर्ट में उनकी गलत उम्र क्यों लिखी गई। सीमा के पास 6 पासपोर्ट मिलने के पीछे किसी साजिश की आशंका जताई जा रही थी। कितने पासपोर्ट अब कई करा, 4-2 कैसे और सर, कैसे बनवाए आपने, क्यों इतने क्यों बनवाए? इतने क्यों मतलब मेरे तो पासपोर्ट सब 4 बच्चों के, एक मेरा है 5। पहला पासपोर्ट नेपाल एम्बेसी से जांच की जाए, पहला पासपोर्ट मेरा सीमा नाम, सिर्फ सीमा था, ना ऊपर कुछ ना पीछे ना आगे कुछ नहीं, सिर्फ सीमा था। वो अभी पढ़ा है यहाँ पे, तो वो मतलब नेपालियों ने कहा कि सीमा नाम पे मतलब नहीं लग रहा आपका पासपोर्ट, ये वापस कर देगा पास। बच्चों के वीज़ा लग गए, सिर्फ एक मेरा नहीं लगा था। अच्छा, तो यही वजह थी कि मैंने दोबारा पासपोर्ट बनवाया था। इसके पीछे कोई राज नहीं, कोई चीज़ नहीं, मेरे दोनों पासपोर्ट मेरे पास थे, मेरे अगल में दाग होते कार्ड में, उम्र पे सवाल उठ रहे हैं। ये आम तौर है सर पाकिस्तान में हर किसी के। अब मेरी बड़ी बहन की देखो उसकी भी कम है, छोटी बहन उसकी भी कम है, भैया की भी कम, हर ये आम तौर पे चलता रहता है क्योंकि बड़ी एज लिखवाते हैं फिर बंदा बड़ा दिखता है। वहीं सीमा ने इस बात से साफ इनकार किया कि उनकी और गुलाम हैदर की लव मैरिज हुई थी। इससे पहले यह दावा किया जा रहा था कि सीमा को पहली बार प्यार नहीं हुआ बल्कि गुलाम हैदर के साथ उनकी पहली शादी भी लव मैरिज थी। वो देते थे शुरू में मुझे, बिल्कुल देते थे सर, पर हमारी प्यार की शादी नहीं थी। इस मजबूरी को मोहब्बत ना कहा जाए सर, मैंने पहले भी कह दिया था। तो उनका कहना है कि वो कैसी शादी? बिल्कुल वो तो हर चीज़ कह रहे हैं, हर चीज़ को उल्टा, जिस तरह पाकिस्तान के लोग नफरत जाहिर कर रहे हैं मेरे पर, गलत यहाँ के लोगों के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं। क्या वो सच हो सकता है सर? एक लड़की कह रही सीमा के 1000 दोस्त थे, क्या ये सच हो सकता है सर? एक औरत के 1000 दोस्त बन सकते हैं सर? इस दौरान सीमा हैदर ने साफ हिंदी बोलने पर भी सफाई दी। पाकिस्तान से होने के बावजूद सीमा जितनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं उससे उनके कराची से होने पर ही शक जताया जा रहा था, लेकिन सीमा के मुताबिक उन्हें सचिन के साथ रहते रहते हिंदी बोलनी आ गई। आप कैसे हिंदी बोल रही हैं, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, और वो सब क्योंकि वहां से, तो हमने तो जिनसे भी बात की वहां पे वो तो ये भाषा बोलते नहीं है सर। उर्दू हिंदी में थोड़ा फर्क है, मैं फिर से कहूंगी उर्दू हिंदी में थोड़ा फर्क है। अब हम जा रहे थे तो जैसे आप, मैंने सुना हाँ। आपसे पूछा गया कि अगर आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो आपने एक जगह कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल, अब अनर्थ तो बोलते नहीं है वहाँ पे। मैं यहाँ आके यहाँ की भाषा बोलती हूँ और इनके पीछे इनका हाथ है। जब हम अलग रहते थे तो बात बात पे अगर मैं पाकिस्तान भाषा बोलती मुझे डांटते थे, मुँह पे हैं, कहते तुम यहाँ पे कैसे रहोगे, सबको पता चल जाएगा पाकिस्तानी हो। बात बात पे इन्होंने मुझे, मेरे आधा तो इन्होंने हमें सिखाया। वहीं सीमा हैदर ने इस बात से भी इनकार किया कि वो पहले भी दुबई जा चुकी हैं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि सीमा न केवल दुबई जा चुकी हैं बल्कि वो दुबई के बार में डांसर भी रह चुकी हैं। ये कहा गया कि आप दुबई पहले भी जाती रहती थी, कभी भी नहीं आप डांस करती थी वहाँ पे। कभी जिंदगी में सर मैंने सिंध से बाहर कदम ही नहीं रखा, डायरेक्ट आई इनसे मिलने पहली बार, दूसरी बार भी इनके पास ही आई, कभी जिंदगी में सिंध के बाहर मैंने कदम भी नहीं रखा। वहीं सीमा के बारे में पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने दावा किया था कि वो केवल वर्ल्ड कप देखने के लिए भारत आई हैं और वर्ल्ड कप खत्म होते ही पाकिस्तान लौट जाएंगी, लेकिन सीमा ने इस तरह की बातों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। एक यूट्यूबर वहां से पाकिस्तान से कह रहे हैं कि साहब आप तो वर्ल्ड कप की वजह से आई हैं। ये झूठ है, बकवास है, अगर ऐसा होता तो मैं डायरेक्ट दुबई चली जाती, वैसे आ जाती, बच्चों को क्यों ले आती। बिल्कुल मुझे विराट कोहली पसंद है सर, सचिन तेंदुलकर तो पसंद नहीं, विराट कोहली मेरा फेवरेट है, उनका लुक उनकी खेल मुझे बहुत पसंद है, पूरे पाकिस्तान को विराट कोहली पसंद है। वर्ल्ड कप के बाद वापस जाने का कोई प्लान नहीं? बिल्कुल, मेरा जीना मरना यहाँ होगा, एक दिन दुनिया मानेगी जब मैं यहीं मरूंगी यहीं जीऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सचिन तेंदुलकर मुझे बिल्कुल फेवरेट नहीं, मेरा विराट कोहली फेवरेट है। इस दौरान सीमा की बोली को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए सीमा ने सिंधी बोलकर भी दिखाई। पाकिस्तान के कुछ लोगों का इल्जाम था कि सीमा सिंध के खैरपुर की नहीं, जिसकी वजह से उनकी भाषा को माना जा रहा था। आप कराची में रहते थे ना? नहीं, मेरा बचपन खैरपुर मीरस गांव में गुजरा, मैं शादी के बाद कराची आई जी सर। पर हो चंदन की तांजी बोली जेका है सिंधिया, वो खैरपुर वाली कौन आए? खैरपुर में सिंधी गलाई में दादा, पर तांजी बोली
तांजी बोली जगह कराची वारी वधिक थी लगे कराची असा मुझे मामे जो घर कराची में हुयो असा अच वणी हुंदो मुझे अम्मी भी अग में आई और असा अच वणी हुंदो के 2 महीना रहया गोठ वापस मुसलसल कराची में शादी खपो मार रही हूं सर। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने सीमा हैदर पर भारत में दाखिल होने के लिए बॉर्डर पर तैनात जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने का शक जताया। पुलिस FIR के मुताबिक 13 मई को सीमा अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत में घुसी थी। उनका दावा है कि दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा के लिए वो भारत आई, लेकिन खुफिया एजेंसियों को उन पर जरा भी भरोसा नहीं। सूत्रों का कहना है कि खुफिया एजेंसी को शक है कि सीमा हैदर ने बॉर्डर पार करने के लिए वहां तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाया था, क्योंकि बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होना आसान नहीं। इसीलिए खुफिया एजेंसियां सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगालने में जुट गईं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सचिन से पहले सीमा सोशल मीडिया के जरिए भारत में रहने वाले कई लोगों के संपर्क में थी, जिनमें ज्यादातर लोग दिल्ली NCR के रहने वाले थे। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में यह भी पता चला कि सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय सेना के कुछ जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि सीमा हैदर मरियम खान नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर ऑनलाइन गेम पबजी खेलती थी ताकि उनकी असली पहचान सामने ना आ सके, जबकि सीमा हैदर का दावा है कि 2019 में पबजी के जरिए ही उनकी पहचान सचिन मीणा से हुई थी। और फिर थोड़े दिनों की दोस्ती के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने ऑनलाइन गेम पबजी पर मरियम खान नाम से फर्जी अकाउंट बनाया था। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ के दौरान सीमा ने दलील दी कि उन्हें डर था कि पाकिस्तान में उनकी पहचान उजागर होने पर उनके साथ बुरा बर्ताव होगा और इसीलिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए दूसरे नाम से अकाउंट बनाया। जांच में यह भी पता चला कि सीमा रात 9 बजे के बाद देर रात तक पबजी पर एक्टिव रहती थी। सीमा का दावा है कि उसी दौरान उनकी मुलाकात पबजी पर सचिन से हुई थी। हालांकि खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को उनकी बातों पर यकीन नहीं। बीच पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के दावों की पड़ताल के दौरान न्यूज 18 की टीम को यह जानकारी मिली कि सीमा हैदर और सचिन शादी करके नेपाल में ही बसना चाहते थे। उनकी इस प्लानिंग से पर्दा तब उठा जब न्यूज 18 की टीम नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद न्यू विनायक होटल पहुंची, क्योंकि पुलिस की FIR के मुताबिक 10 मार्च को सीमा और सचिन इसी होटल में करीब 7 दिन तक रुके थे। इसी वजह से न्यूज 18 की टीम ने न्यू विनायक होटल के मालिक से सचिन और सीमा हैदर के बारे में बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सचिन पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर से शादी करके नेपाल में ही बसना चाहते थे। वो काम ढूंढ रहे थे। क्यों? ऊपर से हम यहीं पे रुकना है, हमको काम चाहिए, कितना जॉब मिल जाएगा। होटल के मालिक का ये भी दावा है कि सचिन ने काठमांडू में नौकरी ढूंढने की भी कोशिश की थी ताकि वो सीमा से शादी कर वहीं रुक सकें। उनका ये भी दावा है कि नौकरी नहीं मिलने पर सचिन ने उनके होटल में काम करने की इच्छा जताई थी। तो न्यूज 18 की पड़ताल के दौरान पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मीणा के नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करने का दावा भी झूठा निकला, जबकि मीडिया के कैमरों के सामने सीमा ने कई बार ये दावा किया कि वो सचिन के साथ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर चुकी। और इसीलिए न्यूज 18 की टीम उनके दावों की पड़ताल करने नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गई। बाद में न्यूज 18 की टीम पशुपतिनाथ मंदिर गई जहां सीमा और सचिन ने शादी करने का दावा किया था, लेकिन वहां दोनों के हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी करने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ना ही मंदिर के रजिस्टर में वो रिकॉर्ड था और ना ही उनके अलावा जो पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी जानते हों। पुलिस की FIR के मुताबिक 10 मार्च को पहली बार सीमा हैदर सचिन मीणा से मिलने नेपाल आई थी। दावा है कि उस दौरान दोनों कई दिनों तक वहां रुके थे और इसी दौरान उन्होंने वहां शादी भी कर ली थी। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान में मौजूद हिंदू समुदाय के लोगों ने डकैतों से लोहा लेने के लिए बचाव दल बनाने की तैयारी कर ली, क्योंकि कुछ रोज पहले ही सीमा हैदर के बहाने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हथियारबंद डकैतों ने हिंदू समुदाय के मंदिर पर हमला कर दिया था और उस दौरान डाकुओं ने मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर तक दागे थे। दहशत फैलाने के लिए उन डकैतों ने 30 से ज्यादा हिंदू समुदाय के लोगों को बंधक बना लिया था। यही नहीं, उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि अगर सीमा हैदर भारत से नहीं लौटी तो वो पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों और मंदिरों को आगे भी निशाना बनाएंगे। खुफिया सूत्रों का कहना है कि इसी डर की वजह से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू समुदाय के लोगों ने डाकुओं से लोहा लेने के लिए बचाव दल बनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें शामिल लोग हथियारों से लैस होंगे और हमला होने पर डाकुओं को करारा जवाब देंगे। हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सरकार उनको और उनके मंदिरों को सुरक्षा देने में नाकाम है, इसीलिए उन्हें मजबूर होकर अपनी सुरक्षा के लिए ये फैसला लेना पड़ा।